सैंपल में आज आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ हैंडवर्क इस पर किया गया है। अगर हम इसके पल्लू की बात करें तो जैसे देख पा रहे हैं प्रॉपर रिच पल्लू आपको इसमें मिल रहा है, जो महाराष्ट्र और राजस्थान में इसको बांधनी पैटर्न कहते हैं और हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको चूनर पैटर्न कहते हैं। लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आपको यहाँ पर मिलता है। ब्राइडल कलेक्शन में अगर हम बात करें तो इस तरह से बॉक्स हमने यहाँ पर रेडी करके रखा है। और दोस्तों अगर हम इनसाइड की बात करें तो जैसे कि ये साड़ी है, आपको यहाँ पर अगर साड़ी का प्रॉपर लुक देखना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपने जो गोल्डन कलर का जो इसमें जो क्लासी लुक आपको मिल रहा है वो देख पा रहे हैं। बहुत ही रिच पल्लू इस पर जो रखा गया है। इस तरह की जो चीजें हैं आई कैचिंग चीजें हैं, कस्टमर एक ही नजर में पसंद कर ले ऐसी चीजें हैं। तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स को हमेशा से इंतजार रहता है कुछ नई कलेक्शंस देखने के लिए, तो आज हम आया अजमेरा फैशन। हर एक चीज में आप जैसे बेसिकली डील करते हैं, लेडीज सूट साड़ी लहंगा कॉन्सेप्ट सभी तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो आज कैसे कलेक्शंस बेसिकली दिखाएंगे, कैसे आपका ऑर्डर प्लेसिंग रहने वाला है? आज के कलेक्शन में हम देखने वाले हैं कॉटन साड़ी, सिल्क साड़ी जो बनारसी साड़ी होती है वो, और जो वर्क साड़ीज हैं वो साड़ीज आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि बात की जाए कॉटन साड़ी तो उसके स्टार्टिंग बेस प्राइसिंग जैसे होती है, किस रेंज से आपके पास स्टार्ट होती है? कॉटन साड़ीज में हमारे पास स्टार्टिंग रेंज 125 है और उसके बाद आपको 600-700 की रेंज में बहुत सी वेराइटीज उसमें मिल जाएंगी। हाँ जी, और जैसे कि जो हैंडवर्क साड़ीज आती है, ब्राइडल कॉन्सेप्ट साड़ी कह सकते हैं, तो उसकी क्या रेंज स्टार्टिंग होने वाली है? हैंडवर्क साड़ीज की अगर बात करें तो हैंडवर्क साड़ीज में हमारे पास 250 से स्टार्टिंग रेंज है और आपको 4000-5000 की हाईएस्ट रेंज में बहुत सी उसमें भी वैरायटीज मिल जाएंगी, जिसमें ब्राइडल भी कवर हो जाता है, साइडर्स हो जाते हैं, फैंसी साड़ी कवर हो जाती है। हाँ जी, तो कुछ कलेक्शंस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आगे फ्यूचर किस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ठीक, सो पहला सैंपल जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, फैब्रिक जिसको कहा जाता है, ये दो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिएट किया गया है। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर साड़ी की बात करें तो इसका जो पल्लू है बॉक्स पैटर्न में यहाँ पर रखा गया है वेलवेट बेस पर, और उसमें हैंडवर्क जो किया गया है स्टोन का वर्क किया गया है, और उसका जो अच्छा है बॉर्डर भी ब्यूटीफुल है, और उसका जो पैनल रखा गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गुट्टा कॉन्सेप्ट में रखा गया है। क्रिएशन वाइज देखें तो अच्छा सेरेमिक मोतियों के साथ वर्क है इसमें, और पल्लू की अगर बात करें, पल्लू की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका पल्लू का यहाँ पर लुक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मतलब जैसे कह सकते हैं प्रीमियम चीज़ें इसमें आने वाली हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर जाल कॉन्सेप्ट में एम्ब्रॉयडरी का जो इस पर वर्क किया गया है ना, वो इसकी मेन खासियत आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ इसके वर्क के क्रिएशन के ऊपर, तो उसमें देखें ना बहुत फाइन चीज़ें आने वाली हैं। जाल का जो इस पर कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल सा इसका लुक मिलने वाला है। फैब्रिक भी अच्छा है, जैसे कि सिल्क फैब्रिक विचित्रा सिल्क जिसको कहते हैं, विचित्रा नाम का जो फैब्रिक आता है, विचित्रा सिल्क में आपको ये सैंपल यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। उसके ऊपर काफी बारीकी से हैंडवर्क किया गया है और एम्ब्रॉयडरी का जो काम है आपको बहुत ही खिलकर यहाँ पर नजर आने वाला है। हम जैसे कि पर्टिकुलर कोई सपोज ये डिजाइन परचेस करता है तो उसमें कितने कलर्स की मैचिंग्स होती है? मैचिंग्स की अगर बात करें तो आपको 4 कलर की मैचिंग मिलती है, 5 कलर की मैचिंग मिलती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल तरीके लिए जाए तो जैसे कि आप ये बंच यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इतने का ये बंच मिल रहा है, तो सारे के सारे कलर इसमें आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। बहुत से बंचेस ऐसे होते हैं, बहुत से कैटलॉग ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे कलर इसके साथ साथ डिजाइन भी डिफरेंट है। अगर हम इसके बात करें तो कुछ इस तरह से इसका कैटलॉग आपको इसमें मिलता है। तो जैसे कि सपोज अगर ये कोई कैटलॉग या एक बंच आपसे परचेस करना चाहे तो वो भी ऑर्डर आपसे कर सकता है? जी जी जी, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में कोई हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम ले पाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो फैंसी लुक जो साड़ी का यहाँ पर मिल रहा है ना, कह सकते हैं सेलिब्रिटी स्टाइल जी मिल रही है। स्टोन का जो इसमें सिल्वर कलर का जो काम किया गया है नेट बेस पर, काफी ब्यूटीफुल सा इसका लुक क्रिएट होता है। और अगर हम नेट की बात करें तो नेट में भी बहुत से तरीके आते हैं, तो डायमंड नेट जो होता है नेट के कैटेगरी में सबसे A1 क्वालिटी में आता है, तो वो A1 क्वालिटी का नेट हमने यहाँ पर यूज किया गया है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये नेट काफी रहने जी 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 बहुत ही क्वालिटी इसकी हमने अच्छे से मेंटेन की है। और यहाँ पर सिल्वर जो जरी का इस पर काम किया गया है, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी का जो काम किया गया है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका क्रिएटिव लुक बनाता है, डिजाइनर लुक बनाता है। तो जैसे मैम जैसे आपने नेट के साइड डिजाइनिंग समझ सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे जी जी, डिजाइनिंग मिल जाएंगे, कलर मैचिंग आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में सारे कवर करना पॉसिबल नहीं होता। दो डिफरेंट टाइप में इसमें जो काम किया गया है, हाफ एंड हाफ कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं। ये जो है इसका पल्लू का भाग है, जैसे कि यहाँ पर ये बॉर्डर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से इसके बॉर्डर जो है ये यहाँ पर मिल रही है, सेकंड बॉर्डर ये कुछ इस तरह से यहाँ मिल रही है। और अगर हम प्रॉपर इसके लुक की बात करें, इसके नीचे की बाटली की बात की जाए, बॉडी की बात की जाए, तो उसमें पूरा एक अलग से लेयर वर्क कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं जी जी। और फैब्रिक इसमें जैसे नेट डाला गया है नीचे, मल्टी इसके अंदर बहुत अच्छा सा वर्क,
कहने की बात ये कि मोतियों का गोटा पत्ती एम्ब्रॉयडरी जॉर्जेट और रिबन वर्क जो फ्लावर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं जी जी हर तरह की इंक्लूड की गई है काम यहाँ पर किए गए हैं। और दोस्तों अगर इसके कलर मैचिंग की बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं काफी ब्यूटीफुल सा कलर मैचिंग कॉन्ट्रास्ट शेड में रखा गया है। मैचिंग जो दोनों के कलर है एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो रहे हैं। ब्रासो फैब्रिक जिसे कहते हैं वो ब्रासो फैब्रिक में आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसके बात करें वर्क की तो जैसे देख पा रहे हैं बारीक जो इसमें स्टोन का काम किया गया है जैसे कि आपने दिखाया कि इसमें कंप्लीट बहुत फाइन वर्क भी है साथ में देखें तो नीचे एम्ब्रॉयडरी वर्क भी आने वाला है तो दोनों चीजों का कॉम्बो बहुत डिसेंट सी इसमें यूज की गई है। जी 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 और अगर हम इसके कलर मैचिंग की बात करें तो बहुत से इसमें कलर्स हमारे पास है। ब्रासो फैब्रिक की अगर बात करें तो ब्रासो में भी बहुत से जो वैरायटी होती है वो सारी वैरायटी हमने अजमेरा फैशन में मेंटेन करके रखी है। लहरिया कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो लहरिया कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसे कि इस साड़ी की अगर बात करें तो ग्लिटर जरी जिसे कहते हैं वो ग्लिटर जरी का इस पर काम किया गया है। अगर इसके हम पल्लू की बात करें तो देख रहे हैं इसके चारों साइड पर जो बॉर्डर यहाँ पर लगाई गई है बॉर्डर के बाहर जो लेयर इसमें रखी गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक बनाती है। और पैनल की बात करें इसमें जो पैनल में भी काफ़ी हाफ एंड हाफ काम इसमें किया गया है। अगर हम इसके कैटलॉग की बात करें तो अगर आप पर्टिकुलर इसकी बात करें तो बहुत से कलर्स इसमें आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जी जी बनारसी साड़ी में भी पर्टिकुलर बनारसी की बात करें तो बनारसी सदियों से चलती आ रही हैं और आगे भी चलने वाली हैं तो उसकी वैरायटीज की बात करें तो बहुत सी वैरायटीज हमने उसमें भी मेंटेन करके रखी हैं। बनारसी के अलावा पट्टू साड़ी पैठनी साड़ी यावला पैठनी जिसे कहते हैं नवारी कहते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। तो आज मैं सैम्पल्स दिखाने वाली हूँ कुछ लिमिटेड सैम्पल्स यहाँ पर सिल्क में मैं लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो साड़ी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सा इसका जो जैकार्ड का काम इस पर किया गया है रिच पल्लू के साथ आपको ये चीज़ मिल रही है। पल्लू की बात करें तो देख पा रहे हैं काफ़ी बारीकी से इसमें जो जरी का काम किया गया है खिल के निकल के आपको लग रहा होगा। अगर यहाँ इसके जो पैनल की बात करें यहाँ पर जो काम किया गया है जो झालर का काम जिसे कहते हैं वो किया गया है। अगर हम इसके लेस बॉर्डर की बात करें तो देख पा रहे हैं इसकी बॉर्डर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है काफ़ी क्रिएटिव जिसे कह सकते हैं चीज़ें आने वाली। और कलर मैचिंग इसमें भी 4-5 कलर मैचिंग बहुत से कलर्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसके कैटलॉग की बात करें तो ये कुछ इस तरह के इसका चार का कैटलॉग मिलने वाला है वो बहुत से पैटर्न से हमारे यहाँ किया गया है। अगर हम बात करें तो रिच पल्लू के साथ आपको ये मिल रहा है। कलर की बात करें तो जो थ्रेड का काम इस पर किया गया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अगर हम इसके कलर मैचिंग की बात करें यहाँ पर तो कुछ इस तरह से इसका कलर मैचिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल इंडियन एथनिक वियर कॉन्सेप्ट इसको कह सकते हैं और अपने कल्चर से जुड़ी है। बाकी तो हर जगह इसमें एम्बोजिंग या डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं तो हर स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं सभी कॉम्बिनेशन आपके मिले पास मिल ही जाते हैं। जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो एकदम सिंपल सुबर चीज़ होती है लेकिन अट्रैक्टिव लगती है आई कैचिंग चीज़ जो कस्टमर को लगती है वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप न्यू बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और आप वैरायटी रखना चाहते हैं सिल्क फैब्रिक में सिल्क और बनारसी फैब्रिक में साड़ी में वैरायटी रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं आई कैचिंग चीज़ें हैं कस्टमर एक ही नज़र में पसंद कर ले ऐसी चीज़ें हैं ये चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं। आप इसमें अच्छी मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ तो जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल इसका कलर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके बॉर्डर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बॉर्डर पर जो काम किया गया है यहाँ पर जो काम बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो जरी का काम किया गया है कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसके अंदर जी। और अगर हम इसके सॉफ्टनेस की बात करें तो बहुत सॉफ्ट ये मिलने वाला है। कलर मैचिंग की अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं ऑल टाइम रनिंग कलर जो होते कलर्स हैं इसके साथ। और जनरली इस टाइप की साड़ीज के अंदर कुछ इसी तरह वाइब्रेशंस वाले कलर चलते हैं तो वही चीज अवेलेबल इसके अंदर। एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में ही देख रहे हैं बहुत आई कैचिंग चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके पल्लू की बात करें तो देख पा रहे हैं बहुत ही रिच पल्लू इस पर जो रखा गया है ना वो इसका मेन अट्रैक्शन यहाँ पर बन रहा है। और दोस्तों अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो देख पा रहे हैं बहुत फाइन जो काम इस पर किया गया है बहुत ब्यूटीफुल किया गया है। और अगर इसके हम पैनल की बात करें तो पैनल पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क किया गया है जी। अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सर अजमेरा फैशन में ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट आपको मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हर लैंग्वेज के सेल्समैन आपको मिल जाएंगे जो नेटिव लैंग्वेजेस होती है जैसे हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ऐसी जो लैंग्वेजेस है सारे लैंग्वेजेस के आपको सेल्समैन हमारे यहाँ मिलने वाले हैं। बिल्कुल तो उसमें भी मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाला कि आप कैसे समझेंगे या समझाएंगे तो उसका भी एक सोल्यूशन है जी। नेक्स्ट पैटर्न जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं
पहली बात बहुत ब्यूटीफुल सी ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। हमें आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेके जाइए। अगर आप किसी दुल्हन की पेटी ओपन करेंगे तो उसमें बनारसी साड़ी जो है आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो बनारसी साड़ी में भी जो उस पर जो वर्क किया है, हैंडवर्क किया हो, तो और भी वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये जो सैंपल मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, हैंडवर्क इस पर किया गया है। अगर हम इसके पल्लू की बात करें तो जैसे देख पा रहे हैं, प्रॉपर रिच पल्लू आपको इसमें मिल रहा है। और जो हैंडवर्क इस पर किया गया है, स्टोन का जो इस पर काम किया गया है, वो उसका A1 लुक बनाता है। क्वालिटी वाइज आपको हमारे यहाँ A1 क्वालिटी मिलने वाली है, किसी तरह की कस्टमर की कंप्लेन नहीं आती है। दोस्तों अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल सा इसमें गोल्डन और सिल्वर का जो बुट्टा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट वेराइटी जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ब्राइडल कलेक्शन में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से ब्राइडल का कलेक्शन हमने यहाँ मेंटेन करके रखा है। पहली जो मेन अट्रैक्शन होती है दुल्हन को, वो उसकी पैकिंग होती है। तो यहाँ पर जो ब्राइडल कलेक्शन के लिए हमने जो पैकेजिंग यहाँ पर मिलने वाली है, कुछ इस तरह से बॉक्स हमने यहाँ पर रेडी करके रखा है। और दोस्तों अगर हम इनसाइड की बात करें तो जैसे कि ये साड़ी है, आपको यहाँ पर अगर साड़ी का प्रॉपर लुक देखना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से इस साड़ी का आपको यहाँ पर लुक मिल रहा है। वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा वर्क किया गया है। फैब्रिक की बात करें तो पर्टिकुलर साड़ी आपको जॉर्जेट बेस पर मिल रही है। इसी तरह आपको बहुत से डिफरेंट फैब्रिक में भी हमारे यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं, सभी कलेक्शंस मिल जाएंगे विद बॉक्स पैकिंग। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जो ब्राइडल्स के लिए गिफ्टिंग पर्पज से भी बहुत अच्छा है, बाकी सेलिंग के लिए भी कुछ नया और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे कह सकते हैं। जी, और दोस्तों अगर जो पहली चीज़ है कस्टमर देखता है वो उसकी पैकेजिंग भी होती है, तो पैकेजिंग में भी हमने वैरायटी यहाँ पर मेंटेन करके रखी है। जैसे ये बॉक्स आपने देखा रेड कलर के पैकिंग में था, ये बॉक्स देखा आपने जो गोल्डन कलर का, जो इसमें जो क्लासी लुक आपको मिल रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम इस साड़ी की बात करें तो हमको आपको इम्पोर्टेड फैब्रिक में ये मिलने वाली है। ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल सा इसका लुक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे लॉट्स ऑफ कलेक्शंस आपको मिलेंगे जो प्रीमियम सेगमेंट जिसे कह सकते हैं। तो सिर्फ एक व्हाट्सअप आप दूर हैं या एक कह सकते हैं आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं, बाकी एक बार आप व्हाट्सअप करें, कॉलिंग करें और जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉल के थ्रू हम आपको हमारा कलेक्शन दिखाएंगे। कॉटन में जो हम वेराइटी यहाँ पर देखने वाले हैं तो बांधनी पैटर्न जिसे कहते हैं, जो गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में इसको बांधनी पैटर्न कहते हैं और हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको चूनर पैटर्न कहते हैं। तो ये जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है कॉटन बेस पर, इसकी जो प्रिंटिंग यहाँ पर की गई है बहुत ब्यूटीफुल सी प्रिंट आपको यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। फोल्डिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग भी आपको मिलने वाली है। अगर हम प्रिंट की बात करें तो कुछ इस तरह से दो जो डिफरेंट कलर है बांधनी में, इस पर दो कलर का जो वर्क किया गया है, लेकिन डिज़ाइन इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। अगर इसके ओवरऑल लुक की हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका ओवरऑल लुक मिलने वाला है। हाँ जी, तो मैं इसमें प्रिंट्स, डिजाइनिंग्स, कॉन्सेप्ट्स तो काफ़ी सारे मिलेंगे, रेंज तो काफ़ी सारी इसके अंदर भी आपके पास। इसमें बांधनी में भी बहुत से आपको मिल जाएंगे, जैसे कॉटन हो गया तो कॉटन में भी जीसी कॉटन आता है, सॉफ्ट कॉटन आता है, मलाई कॉटन आता है, तो हर तरह के कॉटन में भी हमने वेराइटी मेंटेन करके रखी। बिल्कुल, तो अगर हम इसके वेराइटी की बात करें तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, पर्टिकुलर अगर हम इसके पैटर्न्स की बात करें तो ये प्रिंटेड आपको मिलने वाला है। ये जो उसके ऊपर जो कलर का जो मैचिंग किया गया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लुक बनाता है। कॉन्ट्रास्ट का इसमें ब्लाउज आपको दिया गया है। अगर कॉटन में वर्क की बात करें तो कॉटन का वर्क भी आजकल बहुत डिमांड में आ रहा है, तो ये कॉटन में आपको वर्क में मिल रहा है। मतलब कॉटन बेस पर आपको जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क इस पर किया गया है, रेशम के जो धागे का वर्क इस पर किया गया है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हैवी बॉर्डर इसमें दी गई है। इसके अगर हम लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आपको यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे इसमें, एम्ब्रॉयडरी, प्लेन, सब चीज़ मिल जाएगी इसके साथ भी। और अगर नेक्स्ट पैटर्न की यहाँ पर बात करूँ तो कलर्स की बात करूँ तो ऑल टाइम जो कलर्स चलते हैं, कस्टमर की जिस कलर में डिमांड होती है, वो सारे कलर्स हमने यहाँ पर मेंटेन करके रखे हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हैवी इसमें जो बॉर्डर हमने मेंटेन करके रखी है, जो मेन इसका फोकस यहाँ पर रखा गया है, और इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी के धागों का वर्क किया गया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देता है। अगर हम इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लुक आपको यहाँ मिलने वाला है। तो हम जैसे कलेक्शन तो आपने सभी देख दिए हैं, ब्राइडल्स, कॉन्सेप्ट्स, बनारसी सिल्क और कॉटन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, और जो बेसिक प्रिंटिंग साड़ी, शिफॉन, वो भी चीज़ मिलेंगी।